Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are fine. I am Digvijay Singh, I will teach you maths of class 7, topic data handling. इस डेटा हैंडलिंग में प्रीवियस वीडियो में मैंने दो चीजें काफी चीजें बता दी आपको, डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, जो भी था मैंने बताया, अरेंज डेटा, रॉ डेटा, फ्रीक्वेंसी रेंज और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट टेबल बताया, मीन बताया और मोड बताया. तो मीन के कुछ क्वेश्चन है, 16 है. पहला क्वेश्चन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा. फर्स्ट का फर्स्ट ए क्या दिया है, 47382 5943. तो रेंज निकाल लीजिए. रेंज में सबसे बड़ा डेटा इसमें क्या है, 9. रेंज होता है हाईएस्ट डेटा माइनस लोएस्ट डेटा. सबसे बड़ा डेटा क्या है इसमें, 9, और छोटा क्या है, देखिए 2 क्या है सबसे, रेंज हो गया 7. अब मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ डेटा या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 + 7 + 3 + 8 + 2 + 5 + 9 + 4 + 2. इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑब्जर्वेशन है. तो 11 3 14 8 22 22 24 29 38 42 45 ये इक्वल टू क्या हो गया 45. तो मीन क्या होता है बेटा, मीन इज इक्वल टू होता है अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सम कितना है, 45, और टोटल कितने हैं, 9 9 5 45. तो रेंज हो गया 7 और आपका मीन हो गया 5. इस तरीके से रेंज, रेंज क्या होता है, सबसे बड़ा डेटा माइनस सबसे छोटा डेटा. तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है न्यूमेरिक फॉर्म में, उसमें एक टर्म सबसे बड़ा होगा और कोई टर्म सबसे छोटा होगा, उनका डिफरेंस कर देंगे तो रेंज निकल जाएगा. और मीन निकालने के लिए सिर्फ यही है, जितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं सबका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन निकल गया. तो इस तरीके से हम निकालते हैं. सेकंड पार्ट लगा लीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन, द हाइट ऑफ 5 पर्संस आर दिस दिस दिस. इसका बी वाला भी देख लीजिए, बी वाला पार्ट भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं लगा लीजिएगा. हम सेकंड बता रहे हैं ताकि हम पीडीएफ आपको भेज देंगे सॉल्यूशंस का. सेकंड क्वेश्चन, द हाइट ऑफ 5 पर्संस, हाइट फाइव पर्सन क्या दिया है, 150 160 140 150 centimeter 160 centimeter 140 centimeter. 75 55 175 centimeter 155 centimeter. ठीक, ये दिया है हाइट. फाइंड द मीन हाइट, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हुज हाइट इज बिलो द मीन हाइट. मतलब मीन हाइट निकालना है, उसके बाद कितने पर्संस की हाइट मीन हाइट से नीचे है, बिलो द मीन हाइट. तो पहले मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लीजिए. +150 +160 +140 +175 +155 एड होगा तो 0, फिर 1 आ गया, 5 + 6 5 and 6 6 12 16 23 23 5 28 32 3 4 5 6 7. अब इस तरह ना आप ऐड कर पा रहे हैं, 150 160 140 175 1 ऐड कर लीजिए, 5 5 10
सिक्स सिक्स ट्वेल्व फोर सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री फाइव ट्वेंटी एट कैरी टू टू वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन एट्टी वन और टोटल फाइव पर्सन है तो मीन हाइट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 780 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 डिवाइड कर दीजिए 5 × 5 2 बचा 5 जा 6 जा 156 सेंटीमीटर मीन हाइट 156। अब इसमें देखना है 156 से नीचे 1, 2 और 3 देयर आर 3 पर्संस हैविंग हाइट बिलो आप मीन हाइट बिलो आप मीन हाइट। ये पूछा है ना कि ऐसे कितने पर्सन हैं जिनकी हाइट जो है मीन हाइट से कम है तो ये वाला होगा ये वाला होगा ये वाला तो देर आर थ्री पर्सन हैविंग हाइट इज बिलो आप मीन हाइट से नीचे। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो को पास करके आराम से नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ थर्ड फाइंड द मीन ऑफ थर्ड का फर्स्ट ए फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर। अब यहां पर गलती क्या होगी, लोग वन को भी लिखेंगे, टू को भूल जाएंगे, चाहे टू थ्री फाइव और सेवन, जबकि उनके दिमाग में होना चाहिए बेटा कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है, तो स्टार्टिंग कहां से होती है, टू से। टू इज द लीस्ट प्राइम नंबर और टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है और एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। टू इज ओनली एन इवन नंबर दैट इज प्राइम और ऐसा कोई इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो। तो हमेशा प्राइम नंबर का सबसे छोटा प्राइम नंबर टू होता है, ध्यान रखिएगा। तो फाइव प्राइम नंबर क्या होगा, टू थ्री फाइव सेवन इलेवन, तो मीन हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम टू प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस इलेवन अपॉन फाइव कितना जाएगा, 28 अपॉन फाइव 5.6। मीन क्या हो गया इसका 5.6। जो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि वन को लिख देंगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, तब इलेवन नहीं रहेगा। वन को लिख देंगे तो इलेवन हट जाएगा, फिर क्या होगा 18 आ जाएगा, तो 18 को आप लिखेंगे 3.6 आ जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी, नंबर कुछ नंबर निकलेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि प्राइम नंबर सबसे छोटा टू होता है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन इज ओनली एन ऑड नंबर। सेकंड पार्ट इसका है, फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स बी कंपोजिट, फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर क्या होंगे, तो फोर, ध्यान रखिएगा ये तो हो गया आपका, इसको हम यहां कर दे रहे हैं 28 अपॉन 5 यानी 5.6, ठीक। फर्स्ट टेन क्या हो जाएगा, 4, 5 बाय 6, 7, फिर 8, 9, 10, 12। देखिए पहला कंपोजिट नंबर 4 है क्योंकि 1, 2, 3, 4 तो 1 ना तो प्राइम है तो कंपोजिट है, 2 प्राइम है तो 3 प्राइम है, 4 प्लस 5 प्राइम है 6, 7 है तो 8, 9, 10, 12, 13 के बाद 14, 15, 16, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 के बाद 18, क्योंकि 17 प्राइम है। ये हो गया, अब इनका सम निकाल दें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए, 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18। देखिए जब कंपोजिट और प्राइम की बात होती है तो वहां ऑड इवन नहीं दिखाई देता, ठीक। जो ऑड है वो भी कंपोजिट है, जो इवन है वो भी कंपोजिट है। जो नंबर केवल खुद से डिवाइड होता है वन को छोड़ दिया जाता है,
वो प्राइम होता है। अब ऐड कर लीजिए 55, 57, 8, 9, 10, 11 आई थिंक दैट 112 आएगा। 6, 4, 10, 8, 18, 18, 9, 27, 27, 29, 29, 33, 38, 44, 52, 55, 56, 7, 8, 9, 10, 11 तो इसका मीन निकल जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 11.2 काट देंगे ये 18 पर डेसिमल लग जाएगा क्या हो जाएगा 11.2। इस तरीके से बेटा लगता है कोई दिक्कत नहीं है आपका क्वेश्चन आराम से हो जाए। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ सिक्स आप निकाल सकते हैं सी और डी देख लीजिए फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ सिक्स निकाल सकते हैं देख थर्ड का सी फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ सिक्स इज इक्वल टू सिक्स 12, 30 फर्स्ट फाइव मल्टीपल का हो जाएंगे 6, 12, 18, 24, 30 तो सम निकाल लीजिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 + 12 + 18 + 24 + 30 कितना हो जाएगा 6 × 2 = 16, 16 × 4 = 20, 3, 4 + 6 = 39 तो इसका मीन अगर निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा 90/5 कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। अब इसके बाद डी है डी क्या कह रहा है कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 24 अब फैक्टर्स ऑफ 24 का मतलब क्या है कि 24 किन किन नंबर से डिवाइड होगा तो अब यहां भी गड़बड़ हो जाएगा 1 से भी डिवाइड होगा ध्यान रखिएगा 1 से डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा 4 से 6 से 8 से 12 से और 24 से यानी 24 किस किस नंबर से डिवाइड होगा इन इन नंबर से डिवाइड होगा इनका सम है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24 + 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 add 2 1 3 3 6 4 10 10 6 16 16 8 24 24 25 26 26 4 30 30 4 to 6 कितना आ गया 60 तो मीन निकाल लीजिए इसका मीन कितना हो जाएगा 60/8 काट कर 4 × 2 = 8 4 × 15 = 15/2 = 7.5 तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते हैं मल्टीपल्स 1 से स्टार्ट होगा 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 2 टेबल जो पढ़ते हैं और फैक्टर्स वे नंबर जो उस नंबर यानी 24 के फैक्टर वे नंबर होंगे जो 24 को कंप्लीट डिवाइड कर देंगे तो 1 भी डिवाइड करेगा 2 भी डिवाइड करेगा 3 भी 4 भी 6 भी 8 भी 12 भी ये सब फैक्टर्स प्राइम फैक्टर अलग होता है ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक आपको क्लियर करवा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लगवाएंगे तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए जानदार शानदार जबरदस्त रहिए ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।